नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर निकलकर आ रही है कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन सचिव दिल्ली श्री रवि प्रकाश सिंह पहुंचे आरा। पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, संजीव सिंह एवं रोहित सिंह, कमलेश यादव और अन्य साथियों ने मिलकर आरा की धरती पर किया हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया। संगठन के विस्तार पर हुई विस्तृत चर्चाएं जिलाध्यक्ष पटना के संजय सिंह ने भी संगठन विस्तार के बारे में बताया। राष्ट्रीय संगठन सचिव ने बताया कि शासक और प्रशासक द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को सुचारू रूप से वास्तविक व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे, संगठन कार्यकर्ताओं का यही दायित्व होनी चाहिए। पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संगठन सचिव को आश्वस्त किया कि भोजपुर के हरेक मंडलों में संगठन का पुनर्तः विस्तार कर दिया जाएगा। भारतीय मानवाधिकार को लेकर किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं? भारतीय मानवाधिकार स्तर पूरे देश में काम कर रहा है और भारतीय मानवाधिकार स्तर का उद्देश्य है कि समाज में जो तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, पहले चाहे राज्य सरकार से आ रही हैं या केंद्र सरकार से आ रही हैं, वो जमीन स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं बीच में उस पैसे का घोटाला हो रहा है या जो भी योजनाएँ आ रही हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो जमीनी स्तर पर उसको पहुँचाया जाए। इसके अलावा संगठन में कहीं भी अनियमितताएँ होती हैं, चाहे वो शासन से या प्रशासन से होती हैं या समाज के द्वारा होती हैं, उसको न्याय को हमें न्याय दिलाना। एक प्रकार से देखा जा रहा है सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, उन लोगों को अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए? देखिए, हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोटे छोटे कैंप लगा करके लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करते हैं। आप लोग का ये जो जागरूकता कर रहे हैं उससे क्या लाभ हो पा रहा है? बिल्कुल लाभ हो रहा है। एक बार परिचय का बताएं। रवि प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव, भारतीय मानवाधिकार स्तर। क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार सर ने जो है राष्ट्रीय सचिव है दिल्ली से चल कर आए हैं, इनका निर्देश है कि सरकार की जितने भी योजनाएँ हैं जो केंद्र से चल कर आता है और यहाँ पर धरातल पर नहीं दिखता है, उन सभी योजनाओं को हम सब जो है मिलकर जो है जनता तक उसका लाभ पहुंचवाने का प्रयास करते हैं। और जो है शासक और प्रशासक द्वारा यदि कहीं भी खामियां हो, त्रुटियां हो, तो उस त्रुटियों को जो है हम लोग अवगत कराते हैं, एक आईना के लेकर जो है दिखाते हैं कि आपकी यह कमी है और वह जनहित के लिए बहुत ही अच्छा है। और यह पहला प्रयास है भोजपुर जिला में आरा में, जो है सर के माध्यम, सर के टीम में रहकर हम सब काम करेंगे और जो है जो भी आज तक वंचित लोग हैं जिनको आज तक योजनाएं नहीं मिली है, घोटाला हो रहा है, वह सभी जगह प्रकाश डाला जाएगा। निश्चित तौर पर इनके टीम में हम लोग रहकर जो है अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखा जाता है कई सारे प्रशासनिक रूप से या कानून रूप से कई सारे जो ज्ञान होना चाहिए आम आदमी को मानवाधिकार को लेकर, वो सारे नॉलेज अभी उन लोगों के पास नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या किया जाए? एक जो है अवेयरनेस के तौर पे हम लोग जागरूकता फैलाएंगे, जो है हमारा हम लोग का प्रयास रहेगा कि जिला की टीम जो है पूरे भोजपुर जिला में है जो है जागरूकता फैलाएगी इस भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के बारे में कि आपका अधिकार क्या है, आपका हक क्या है। जो है यदि वह नहीं समझते हैं तो सभी व्यक्तियों को हम लोग समझाने का, वहाँ तक बात पहुँचाने का निश्चित तौर पर हम सब का प्रयास रहेगा। इसका विस्तार भोजपुर जिला में किस प्रकार से किया जाएगा? सर आए हैं, जिस प्रकार जो है निर्देशित करेंगे इस प्रकार से जो है हम लोग विस्तार करने का प्रयास करेंगे। हम लोग का सोच है कि प्रत्येक मंडल में जो है इस एसोसिएशन का जो है टीम रहे और वहाँ सभी जो है मॉनिटरिंग होते रहे, इस प्रकार जो है हम सब अपना प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम यहाँ के भोजपुर के जो है आरा के नौजवान साथियों से अभी हम सब चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नहीं जुड़े हैं वो सब लोग, वैसे व्यक्ति जो जागरूक हैं वो सभी लोग जुड़े इस संस्था से जो है और आगे चलकर जो है जनता में लाभ इसका पहुँचाया। परिचय अपना दे दीजिए। हमारा परिचय है भानु प्रताप सिंह, किसान पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, पैक्स चेयरमैन, अग्याव प्रखंड, रतनाड़ पैक्स। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लेआउट न्यूज को फॉलो करें। धन्यवाद।